आज एक गुड मॉर्निंग सुप्रभात प्राचीन भारत के पाठ के अंतर्गत बीए पाठ के पाठ्यक्रम अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज हम इस बिंदु के माध्यम से समझेंगे कि वैदिक धर्म के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, कर्मकांडों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उसमें दो धर्म मुख्य रूप से हमें प्रश्न में मिलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज हम इस बिंदु के माध्यम से बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उनकी मैं चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम के अनुसार भी और कंपटीशन के अनुसार भी। तो इस बिंदु के माध्यम से हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं, महत्वपूर्ण विशेषताएँ क्या थी। और पहली जो बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है उसमें एक शब्द आता है, प्रतीति समुत्पाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतीति समुत्पाद। प्रतीति समुत्पाद क्या है? देखिए, महात्मा बुद्ध ने इसको धर्म का नाम दिया है। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार संसार के सारे पदार्थ और अवस्थाएं किन्हीं कारणों पर निर्भर है, मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई वस्तु उत्पन्न हो ही नहीं सकती। प्रतीति समुत्पाद, किसी कारण के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति, ये प्रतीति समुत्पाद है। यानी प्रत्येक वस्तु या घटना कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हमारे जन्म के पीछे भी कारण है, हमारे मरण के पीछे भी कारण है, हमारे दुख के पीछे भी कारण है, हमारे सुख के पीछे भी कारण है। तो इन्होंने पूरी एक 12 जरा मरण की श्रृंखला जारी की, जिसको द्वादश निदान कहा गया, द्वादश चक्र कहा गया। तो हर चीज़ के पीछे कारण की जो अवधारणा है वो क्या कहलाती है? प्रतीति समुत्पाद। कारणों के बिना किसी भी घटना या कर्म का जन्म नहीं होता। इस प्रकार किसी भी कर्म या घटना को उत्पन्न किए बिना कारण भी नहीं रह सकता। कोई भी कार्य है उसके पीछे कारण है, ठीक है, और कोई भी घटना बिना कारण के पैदा नहीं हो सकती, और कारण भी बिना घटना के नहीं हो सकता। समझ गए? कैसे भी उल्टा सुलटा कर लो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हर कार्य के पीछे कारण है और हर कारण के पीछे कार्य है। इस नियम को बुद्ध ने दुख वाले संसार पर लागू किया कि पूरा संसार दुखी है, इस दुखी संसार ने इतने आंसू बहाए जितना तो समुद्र में पानी भी नहीं है, और दुख के कारणों को ढूंढा। महात्मा बुद्ध इस निष्कर्ष से पहुंचे कि दुख की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो क्या है? अविद्या है। क्या है? दुखों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? अविद्या है। और अविद्या के निवारण के द्वारा इससे उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला विचार था प्रतीति समुत्पाद। समझ में आ गया? प्रतीति समुत्पाद किसके उदाहरण है? बौद्ध धर्म की। प्रतीति समुत्पाद क्या कहती है? किसी कार्य के, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता, और हर कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य होता है। तो प्रतीति किसी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति, ये प्रतीति समुत्पाद। और इन्होंने दुख की जब व्याख्या की है कि सारा संसार दुखमय है और उसके पीछे मूल कारण है, विद्या को बताया। टोटल इन्होंने 12 की जो एक श्रृंखला एक प्रकार से जारी की थी, ठीक है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा इनका महत्वपूर्ण विचार था निर्वाण। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि साहब निर्वाण का मतलब क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। जैसे हिंदू धर्म में हमने जब पुरुषार्थ हम पढ़ते हैं तो मोक्ष हमारा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, सर्वोच्च लक्ष्य है। जैन धर्म में इसी चीज़ को केवलिन कह दिया गया है, ठीक है। तो ये हर धर्म का अपना एक शब्द है। तो जैन धर्म में केवलिन कहलाया, हिंदू धर्म में मोक्ष कहलाया, और बौद्ध धर्म में ये शब्द क्या बन गया साहब? निर्वाण बन गया। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक के समान बुझ जाना, अर्थात शांत हो जाना। परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण एक ऐसी मृत्यु वाली अवस्था नहीं है, एक परम आनंद का है, ये सुख ज्ञान और शांति की अवस्था है, याद रखना। तो इसको एक चरम आनंद माना गया है, चरम लक्ष्य माना गया है, सुख ज्ञान और शांति की अवस्था माना गया है। निर्वाण कोई एक ऐसी अवस्था नहीं है जो मरणोपरांत प्राप्त होती है, मतलब कि हमारे हिंदू धर्म में तो केवल ये माना गया है कि मृत्यु के बाद जो है मोक्ष प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ निर्वाण की जो व्याख्या की गई वो ये व्याख्या की गई है कि ये तो इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तो परम आनंद है, सुख का स्रोत है, ज्ञान का है, शांति की अवस्था है, जो मनुष्य के जीवित रहते हुए पूर्णता की अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण मृत्यु से पूर्व प्राप्त कर लिया था। एक शब्द और भी आता है, परिनिर्वाण। परिनिर्वाण को इन्होंने मृत्यु के बाद की जो अवस्था वो कहा, लेकिन निर्वाण तो ये कहते हैं कि इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति को इन्होंने एक प्रकार से क्या संज्ञा दी है? निर्वाण की संज्ञा दी है। तो निर्वाण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। निर्वाण का अर्थ क्या नहीं है? निष्क्रियता नहीं है, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध धर्म प्रचार के कार्य में निरंतर लगे रहे, लगातार उन्होंने प्रचार किया। निर्वाण जीवन काल में प्राप्त होने वाली परम शांति की अवस्था है, जिसकी तुलना किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती,
क्योंकि उसका वर्णन होना असंभव है। किसकी किसका वर्णन होना असंभव है? निर्वाण का। निर्वाण प्राप्ति के साथ दुख और पुनर्जन्म से, निर्वाण प्राप्ति के साथ दुख या पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। तो एक प्रकार से इन्होंने माना है कि निर्वाण एक चरम आनंद की अवस्था है। निर्वाण का अर्थ जीवन की समाप्ति नहीं है, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। निर्वाण का मतलब एक प्रकार से बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति, और उसके बाद जो है आप जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार किया, बोधिसत्व जो आदर्श है वो एक प्रकार से निर्वाण है इनका, ठीक है, जिसको हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया है और जैन धर्म में केवलिन कहा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण जो विचार है वो केवलिन है, क्रमवाद है। क्रमवाद क्या है? बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ मनुष्य की समस्त शारीरिक और मानसिक चेष्टा से है। यह धर्म सृष्टि के कर्ता और नियता के रूप में किसी देवीय शक्ति को नहीं मानता, ठीक है। कर्मवाद का मतलब है कि कर्म प्रधान है, आप जैसे कर्म करोगे, ठीक है, तो आपका कर्म सब कुछ है। उनके अनुसार मनुष्य सारे जगत के कार्य का नियता कर्म होता है। जिस प्रकार आस्तिक धर्म में जो स्थान ईश्वर का होता है, वही बौद्ध धर्म में क्या माना गया, क्योंकि ईश्वर के प्रसंग के ऊपर ये एकदम से शून्य हो जाते थे, महात्मा बुद्ध बोलते नहीं थे। तो एक प्रकार से यहाँ कर्मवाद को मुख्य माना। महात्मा बुद्ध ने कहा भी है कि जो व्यक्ति समय कर्म करेगा वह निर्वाण प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? निर्वाण प्राप्त करेगा। कर्म ही प्राणियों का बंधु और आश्रय है। प्राणियों में जो हिंसा और उत्तमता गुण देखते हैं उसके कारण क्या है? कर्म है। तो क्रमवाद में बौद्ध धर्म विश्वास करता, याद रखना है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण विचारधारा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा कि जैसे पानी का बुलबुला उठता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, वैसे ही क्षणिकवाद का विचार है। बौद्ध दर्शन जगत की किसी वस्तु या विचार की स्थायित्व में विश्वास नहीं करता है। कोई चीज़ स्थायी नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है और खत्म हो जाता है, वैसे ही हर चीज़ अनित्य है, हर चीज़ क्षणिक है, ठीक है। आत्मा और जगत ये प्रति क्षण बदलते रहते हैं। परिवर्तनशील जीवन जगत का वास्तविक नियम है। जिस प्रकार नदी में जल और जलते हुए दीपक की लोक की स्थिति प्रति क्षण परिवर्तनशील होने के उपरांत भी उनका रूप एक सा प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा और जगत में क्षणिक और अनित्य होने पर भी प्रवाह के रूप में बने रहने के कारण नित्य और स्थायित्व प्रति प्रतीत होते हैं। तो हर चीज़ को इन्होंने क्षणिक माना है, पूरे जीवन को इन्होंने परिवर्तनशील माना है, और इसकी तुलना उन्होंने नदी के बहते पानी, दीपक की लो और पानी के बुलबुलों से इन्होंने की है। और पांचवी विचार के अपन चर्चा है अनात्मवादी। जैसे जैन दर्शन आत्मवाद को मानता है, हिंदू धर्म आत्मवाद को मानता है, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। बौद्ध मत स्थायी आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। अनात्मवाद का सिद्धांत क्षणिकवाद के सिद्धांत का ही परिणाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि बौद्ध धर्म आत्मा को मानता कि नहीं मानता। नहीं मानता। आत्मा शरीर के समान नाशवान है। आत्मा में वे सभी विकार हैं जो शरीर में हैं। आत्मा में वे सभी विकार हैं जो शरीर में हैं। आत्मा भी शरीर के साथ बदलती रहती है। बौद्ध दर्शन मानता है कि हमारे शरीर की रचना संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना, विज्ञान, ये जो पंच तत्व इन्होंने एक प्रकार से बताए हैं, किससे? संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना और विज्ञान, ठीक है, इन तत्वों से हमारे शरीर की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, याद रखना। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना, विज्ञान। जब तक इन तत्वों की एकता बनी रहती है तब तक मनुष्य बना रहता है, और जब तक ये नष्ट हो जाते हैं मनुष्य का भी अंत हो जाता है। तो संसार में आत्मा जैसी कोई, तो पंच स्कंद की अवधारणा क्या थी? तो इनको क्या बोला गया है? पंच स्कंद। कौन कौन से? संस्कार, संज्ञा, रूप, वेदना और विज्ञान को बोला गया पंच स्कंद, ठीक है। पुनर्जन्म, बौद्ध दर्शन अनात्मवादी होते हुए, बौद्ध दर्शन अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व का क्या करता है? निषेध करता है। पुनर्जन्म को तो मानता है, क्रमवाद को मानता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता। आत्मा के अस्तित्व का निषेध रहता है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार यानी जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, हमारी धारणा है। जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, ये कर्म अनवरत जारी रहता है, उसमें कहीं भी व्यवधान नहीं पड़ता। उसी प्रकार एक जन्म के अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना उदय होती है। यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि विलय और उदय के बीच कोई व्यवधान नहीं पड़ता। तो ये महत्वपूर्ण विचार थे, पाँच विचार हो गए, याद रखना कौन कौन से। दोबारा पर रिपीट कर देता हूँ, प्रतीत समुत्पाद, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। निर्वाण जीवन का चरम लक्ष्य, और निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति है। और कर्मवाद यानी कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको मिलेंगे, कर्म प्रमुख है, याद रखना। क्षणिकवाद, हर चीज़ अनित्य है, क्षणिक है, उसका अस्तित्व नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। अनात्मवाद, या आत्मा को नहीं मानता, याद रखना, जबकि जैन धर्म और वैदिक धर्म मानता है, और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। तो ये बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ थी।
जो आपको स्पेशली याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट हैं आपको देखने हैं।